हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं फ्यूचर सॉल्यूशन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जो है अपने पीसी में एंड्रॉयड सीडीसी ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को इस तरह का जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज ऐसे टेक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सीडीसी ड्राइवर जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया है, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, देखिए यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूं। अब ये जो है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जो है जीप फाइल में होगा, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। देखिए, मैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करके इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसे दिखा देता हूँ, देखिए हमको जो है यहाँ पे जो एंड्रॉइड जो है सीडीसी ड्राइवर हम लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप अपने माई कंप्यूटर में चला जाइए। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज 7, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है कंप्यूटर लिखा हुआ है। अगर आप विंडोज 8 या फिर विंडोज 8.1 या फिर विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा जाएगा। तो मैं 7 यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा वो है मैनेज, आप मैनेज पे क्लिक कर दीजिए। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर आप यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेजमेंट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है डिस्क ड्राइवर्स, इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, आप इसको एक बार क्लिक करके से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऊपर एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा एड लेजेसी हार्डवेयर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा ऐसा कुछ ओपन होगा डायलॉग बॉक्स, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा, आप यहाँ पे अगर आपको इंस्टॉल कराना चाहते हैं हार्डवेयर को इंस्टॉल कराना चाहते हैं, मेरा मतलब है कि सीडीसी ड्राइवर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो तो हार्डवेयर के अंदर पड़ता है, इस वजह से आपको यहाँ पे इंस्टॉल द हार्डवेयर पे क्लिक टिक करना होगा। फिर जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे शो ऑल ड्राइवर, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसके ऊपर भी नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा कौन सा ड्राइवर, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे हैव डिस्क पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आएगा, फिर आप यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करके, मेरा तो ये जो फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर वो है, तो ये डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करना होगा। सिंपली आप यहाँ से देखिए यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो फाइल है, इस फाइल का नाम है सीडीसी ड्राइव फोल्डर, तो देखिए यहाँ पर भी सीडीसी फोल्डर आ चुका है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड सीडीसी ड्राइवर, तो इसको ओपन करके ए है ड्राइवर, तो इसको सिलेक्ट करके मैं सिंपली यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए वो जो ड्राइवर मैंने सिलेक्ट किया, उस ड्राइवर का जो लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर जो है आप ओके पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए दोबारा वो जो है यहाँ पे आ चुका है, फिर जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर जो है इस तरीके से आपके सामने कुछ आएगा, आपको पूछेगा क्या आप सीरियसली ये जो फाइल है आप उसे इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो ऑब्वियसली चाहते हैं तो ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ टाइम देना होगा, एक मिनट तक, फिर जो है आखिर में आपको यहाँ पे फिनिश पूछेगा, आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। फिनिश पे क्लिक करते ही देखिए आपके जो है यहाँ पे ड्राइवर जो आपने इंस्टॉल किया वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है मैंने जो ड्राइवर इंस्टॉल किया वो यहाँ पे आ चुका है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, अगर आप उस प्रोसेस से इंस्टॉल करते हैं तो 100% आपके कंप्यूटर में सीडीसी ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कोई भी कारण से इंस्टॉल नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो फिर वीडियो के नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।